देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक क्वेश्चन और फ्रेम किया गया है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1.2 एम्पीयर। भाई 4 ओम रेजिस्टेंस से जितना करंट पास हो रहा है वो 1.2 एम्पीयर है। मतलब ये वाला देखो, I1 करंट दे रखा 1.2 एम्पीयर, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी पूछा गया है। अब नोटिस करना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला आई, आई के दो हिस्से I1 और I2, यहां पे करंट एंटर हुआ, जितना आया वो I1 I2 में ब्रेक हो गया। तो अब ये ब्रेक होने के बाद में वापस से करंट यहां पर आई आया, तो हमें बी और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहां पे जो करंट मेन करंट है आई, उसे हमें निकालना होगा। तो चलिए आई को निकालने के लिए एक बार फिर से किए, मैंने आपको करंट डिविजन रूल समझाया था, और देखिए यहां पर फिर से करंट डिविजन रूल एक बार काम आ रहा है। तो हम करते हैं कि किस तरह से आई को निकाला जाए। देखिए यहां पर कहा गया है I1 की वैल्यू 1.2 एम्पियर है, और मुझे यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो बी और दूसरा सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से पास होने वाला करंट कितना, तो आई आई इंटू आर, तो 2 × I ऐसा लिखा जा सकता है। तो VB माइनस VC दैट इज इक्वल टू 2 I। अब हमें I निकालना, तो I निकालने का तरीका क्या है, ये देखो I1, ये मान लो रेजिस्टेंस R1, ये मान लो रेजिस्टेंस R2, तो यहां से करंट कितना पास हुआ, I1 बराबर जिसमें हमें करंट निकालना होता है उससे अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय I। तो I1 की वैल्यू 1.2 एम्पियर, देखो R2 कितना, R2 तो 8, और R1 प्लस R2 मतलब 4 प्लस 8 मतलब कितना आ गया है, 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय I। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 1.23 मल्टीप्लाई बाय I, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू I। तो ये हो गया 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू I। तो हमारे पास I इक्वल टू आ गया 1.8 एम्पियर। अब समझना, I 1.8 एम्पियर आ गया, तो VB माइनस VC कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 एम्पियर, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 एम्पियर कितना आता है, 3.6 वोल्ट। तो 3.6 वोल्ट इसका टोटल आंसर होगा। अकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव